ग्रीटिंग्स टू ऑल। लास्ट आर्टिकल हमने एफडी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किया था अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मैटर। इसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाउंड आउट किया था NuDu की वैल्यू एंड दैट वाज गिवन बाय 8√πVm³/2h³ u की पावर 1/2u-uf/kT+1। आज का जो आर्टिकल है वो हमने इसी से शुरू करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यूशन में आता है आर्टिकल तो आप इसी से आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर अलग से आएगा फर्मी एनर्जी के नाम से तो आपने इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंड दिस NuDu इन एंड देन वी कैन स्टार्ट द फर्मी एनर्जी। So next article is Fermi energy. Fermi energy. एक चीज हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करी थी कि फर्मी लेवल वो लेवल है, अगर हम इसको फर्मी लेवल का नाम दे रहे हैं तो इससे नीचे सारे के सारे फील्ड होंगे और इससे नीचे सारे के सारे एम्प्टी, इससे ऊपर, ठीक है, फुल्ली फील्ड है ये और ये एम्प्टी है। तो इस लेवल को हम फर्मी लेवल का नाम देते हैं जिससे नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे ऊपर सारे के सारे एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो एनर्जी इस लेवल की होती है फर्मी लेवल की, उसी को हम फर्मी एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। द एनर्जी लेवल आर वेकेंट एट जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पर जो इससे ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे क्या है, वेकेंट हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, स्टार्टिंग जैसे मैंने बताई, द एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल एनर्जी लेवल्स आर फुली फिल्ड एंड अबोव विच एनर्जी लेवल्स आर वेकेंट, ठीक है। इससे ऊपर सारे के सारे वेकेंट हैं, इससे नीचे सारे के सारे फुली फिल्ड हैं। द लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल। उस लेवल को हम फर्मी लेवल का नाम देते हैं और जो उसकी एनर्जी है एंड corresponding energy is known as Fermi energy। तो उस लेवल की जो एनर्जी है वो हम Fermi energy को consideration में लाते हैं। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू हमने लास्ट आर्टिकल में की थी वहाँ से इसको स्टार्ट करना है, फ्रॉम एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल बिहेविंग एज
इलेक्ट्रॉन गैस, जो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? वी नो दैट एन यू डी दिस इज इक्वल टू 8√2 बाई वी अपॉन में एच क्यूब इंटू एम की पावर 3/2 यू की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ई की पावर यू माइनस यू एफ ओवर के टी प्लस 1 डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसमें दे दिया। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ हमने एनर्जी निकालनी है इनकी, तो इसको हमने एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। टोटल ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो फ्री हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम पूरे सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय एन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से UF। उनकी UF का मतलब है एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल्स इज इक्वल टू एन यू डी यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन में आ जाएगी। और एन दिस इज इक्वल टू 0 से UF 8√2 पाई वी ओवर एच क्यू एम की पावर 3/2 इंटू में यू की पावर 1/2 डिवाइडेड ई की पावर यू माइनस यू एफ ओवर के टी प्लस 1 डी यू। हमने इस वैल्यू को यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दिया है। नाउ एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर सारे ऊपर वाले वैकेंट हैं, नीचे वाले फुली फिल्ड हैं। तो टी इज इक्वल टू 0 है, तो जो फील्ड हैं उनकी एनर्जी वी हैव एनर्जी जितने भी हैं या तो यूएफ होगी या यूएफ से कम रहेगी। ठीक है, फर्मी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे या तो यू एफ के बराबर एनर्जी लेवल के हैं या उससे कम है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे ऊपर सारा एम्प्टी है। तो जितने भी मैक्सिमम लेवल है वो फर्मी लेवल है, तो इसीलिए जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो एनर्जी फर्मी लेवल से नीचे या इसके बराबर रहेगी। और अगर ऐसा है U इज इक्वल टू यू एफ हो जाए, इक्वल टू हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? देयरफॉर e की पावर U माइनस यू एफ अपॉन में के टी दिस इज इक्वल टू U और यू एफ बराबर हो गए तो 0 हो गया ये। ठीक है, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज e की पावर माइनस इनफाइनाइट। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इस लेवल को लेस देन और इक्वल टू लिया है और टेम्परेचर कितना है 0, तो टी की वैल्यू 0 पुट करते ही ये कितना आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। और अगर माइनस 1/∞ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज इक्वेशन नंबर 2, एन दिस इज इक्वल टू 8√2 पाई वी ओवर एच क्यूब एम की पावर 3/2 0 से लेकर के यू एफ, और यहाँ पर ये वैल्यू ख़त्म हो गई, इसकी जगह क्या आ गया? ठीक है, 0। लेकिन प्लस में क्या है यहाँ पर? 1 भी है, तो ऊपर इसके क्या रह गया? यू की पावर 1/2 डी यू। ठीक है ना, तो ये इसकी जगह तो आ गया 0, 1 था और ये था यू की पावर, तो यू की पावर रह गया यहाँ पर हमारे पास। तो इसको इंटीग्रेशन में ले लेते हैं, वैल्यू 8√2
पाई वी ओवर एच क्यूब एम की पावर 3/2, और इसका रिजल्ट कितना आ गया, यू की पावर 3/2 ओवर 3/2 जीरो से लेकर के यू एफ। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया हमने, यू की 1/2 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो गई 0 से 3/2, और 8√2 पाई वी ओवर एच क्यूब एम की पावर 3/2, रिवर्स करके लिख सकते हैं इसको 2/3, और लिमिट को ओपन कर दिया यू की पावर 3/2, और ये बन गया एफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट्स को लगा दिया, अपर लिमिट यू एफ लगा दी, 3/2 इज बिकम 2/3। यहाँ से हम एनर्जी निकालना चाहते हैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फर्मी एनर्जी, तो यू एफ को फाइंड आउट कर दोगे यहाँ से। तो यू एफ कितना आ गया आपके पास, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, तो जो अपोन में था वो रिवर्स हो जाएगा, 3/2 एन एज इट इज़ है यहाँ, और मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया ये भी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 8√2 पाई वी एम की पावर 3/2। अब इसकी पावर क्या है, सारे की 3/2, तो दूसरी तरफ जाकर के पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर, एक तरीके से आपका फर्मी एनर्जी है। अगर आप इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यू एफ दिस इज इक्वल टू एच स्केयर अपॉन 2m 3/8π की पावर 2/3 और n अपॉन v की पावर 2/3, विच इज़ द रिक्वायर्ड फर्मी एनर्जी। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर हम इसको क्यूब रूट और एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के टर्म्स में फर्मी एनर्जी को लिखना चाहते हैं तो भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें, ठीक है, तो क्यूब रूट की टर्म्स में एनर्जी की वैल्यू हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो, अगर मान लिया एक्सप्रेशन यूँ आ जाए कि एक्सप्रेस जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लिखे थे, ये फर्मी एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फर्मी एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिख सकते हैं, आल्सो एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी एज, इसका हम क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब हम क्यूब रूट लेंगे इस इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा यू एफ की पावर, क्यूब रूट का मतलब 3/2, दिस इज इक्वल टू एच स्केयर अपॉन 2m 3/8π की पावर 2/3 एन अपॉन वी की पावर 2/3 और इस सारे की पावर 3/2। तो यहाँ से 8√2 वी एम 3/2 अपॉन एच क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2 एन यू एफ की पावर 3/2, ये वैल्यू हमने निकाल ली। और ये रिजल्ट जो यहाँ पर एनर्जी के लिए हमने यूज़ कर रखा है,
इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह आप जो है एनर्जी को लिख देंगे 3/12 फ्रॉम इक्वेशन 1, NuDu दिस इज इक्वल टू, जहाँ भी 8π था ये वैल्यू थी उसकी जगह आ गया 3/2 NuF, 3/2, और बाकी टर्म एज इट इज यू की पावर 1/2 ओवर e की पावर यू माइनस यू एफ ओवर के टी प्लस 1 इंटू में डी। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी, यू एफ टर्म आ गए यहाँ पर। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फर्मी एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। अब हमारे जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और काम भी हमारा ज़्यादा नहीं बचा है, इसीलिए अब लगभग एक ही वीडियो में हमारा काम पर डे वन वीडियो में काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0 point energy, 0 point energy of electron gas, ठीक है। 0 point energy का मतलब होता है कि जो एनर्जी 0 Kelvin पर होती है, द मीन एनर्जी पोजेसेस बाय इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 Kelvin इज कॉल्ड 0 point energy, 0 point energy, ठीक है। तो जो एनर्जी 0 Kelvin पर इलेक्ट्रॉन की होती है उसको हम 0 point energy निकालते हैं। वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं इसकी, वही FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट था अब हमारे पास। इसको नाम दे सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू FD डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी बिटवीन यू एंड यू प्लस टी इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर दिस। तो ये क्या है, NuDu दिस इज इक्वल टू 3/2 NuF की पावर 3/2 U की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय E की पावर U माइनस UF ओवर KT प्लस 1 DU। अब मीन एनर्जी 0 Kelvin पर होनी चाहिए, तो एट एब्सोल्यूट जीरो, जब एब्सोल्यूट जीरो है तो टेम्परेचर 0 Kelvin, तो यह जहां भी है जब 0 Kelvin होगा तो जितने भी एनर्जी हैं वो सारी की सारी U से लेस और U के बराबर हो जाएंगी, U से लेस या इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जब ऐसा है तो E U माइनस UF ओवर KT, टेम्परेचर 0 हो गया तो इट बिकम्स E की पावर माइनस इन्फिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होने वाली, तो इसकी रिजल्ट कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए अब, NuDu दिस इज इक्वल टू 3/2 NuF, 3/2 U की पावर 1/2 और ये रिजल्ट कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्या लिख देते हैं, DU आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वी हैव गिवन, आई थिंक वी हैव डन समथिंग मिस्टेक हियर, -3/2 इज द रिजल्ट इन दिस,
ये वैल्यू माइनस 3/2 के साथ आती है। ये ठीक कर लेना थोड़ा सा, यहाँ माइनस 3/2 है, यहाँ भी माइनस आ गया, ये भी माइनस और ये भी क्या है माइनस 3/2। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आ गए हैं जिनकी एनर्जी रेंज U से लेकर U प्लस DU है, और हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं उस रेंज में। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू जीरो से लेकर यू एफ, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक एन यू डी यू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, और इसको अगर हम एनर्जी से फाइंड आउट मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, यानी एन यू डी यू मल्टीप्लाई बाय यू। तो ई दिस इज इक्वल टू 3/2 एन यू एफ माइनस 3/2 जीरो से यू एफ यू की पावर 3/2 डी यू आ गया। इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है, जीरो से ये वैल्यू 3/2 एन यू एफ माइनस 3/2, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, U की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 और लिमिट 0 से यू एफ। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, E इज इक्वल टू 3/2 एन यू एफ माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 2/5 यू एफ 5/2। ठीक है, अब इसमें ये U 5/2 है, ये माइनस 3/2 है, तो टोटल एनर्जी 3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 5 एन यू माइनस 3 और 5/2 बिकम्स। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अगर मीन एनर्जी निकालना है तो मीन एनर्जी E बार दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि E अपॉन N। तो E बार दिस इज इक्वल टू जितनी एनर्जी थी उसको N से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3/5 यू एफ। सो दिस इज द जीरो पॉइंट एनर्जी विच इज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। तो ये हमारा 0 केल्विन के लिए आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल भी छोटा सा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। अब हमने स्पीड निकालनी है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ, ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी, ठीक है, इसको आपने माइंड में रख लेना है एनर्जी की टर्म्स में। एन यू डी यू की वैल्यू दिस वन, ताकि इसी से आगे हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हर बार फिर यही टर्म रिपीट होगी, टेम्परेचर 0 केल्विन है, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इस आर्टिकल के लिए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स वैसे तो ये होते हैं, लेकिन जब हम 0 केल्विन लेते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाएगा और ये ख़त्म, तो ये टर्म रह जाएगा, तो इस टर्म का हमने बार बार यूज़ करना। From FD distribution law,
एट 0 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, 0 केल्विन पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनर्जी रेंज यू एंड यू प्लस डी यू इज गिवन बाय एन यू डी यू, दिस इज इक्वल टू 3/2 एन यू एफ माइनस 3/2 इंटू यू की पावर 1/2 डी यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट लिखते हैं हमने इसको। और अब हम एनर्जी स्पीड निकालना चाहते हैं, तो अगर मास इलेक्ट्रॉन का इज एम एंड वेलोसिटी इज वी, देन u इज इक्वल टू 1/2 mv² du क्या हो जाएगा mv dv, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका। और कॉरस्पॉन्डिंग फर्मी एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग फर्मी एनर्जी uf कितना हो जाएगा, सिर्फ u की जगह uf आ गया, तो 1/2 mv² f, ठीक है, फर्मी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी, अब इस वेलोसिटी की रेंज में, तो एन यू की जगह एन वी डी वी, दिस इज इक्वल टू 3/2 n, और हमने जहाँ भी m था, ओके, ये वैल्यू थी हमारे पास, u की जगह वेलोसिटी को यूज करना है, और एनर्जी कितनी है हमारी, हमारे पास यहाँ mv² 1/2 mv² है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 mvf² माइनस 3/2 1/2 mv² की पावर 1/2 एंड दैट इज mv dv, ठीक है, तो mv dv दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करके 1/2 है ये, ठीक है, ये भी 1/2 है, ये देखते हैं यहाँ वी एफ लगाया है और यहाँ पर सिर्फ क्या है बी है, तो ये वैल्यू आ गई 3 n v की पावर -3 f, ठीक है, स्केयर से स्केयर कैंसिल, -3 रह गया यहाँ, ठीक है, ये और ये कितना रह गया v का स्केयर, और m जो है ये -3/2 1/2, तो m रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और सिर्फ क्या बचेगा, यही टर्म बचेगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज गिवन बाय वी बार और 0 से vf, एक की वी और नंबर ऑफ पार्टिकल nv dv, और इसको n से डिवाइड, एवरेज निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0 से vf, वी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 n v f - 3 v² d v, एंड ऑल इज डिवाइडेड बाय n, सो वी बार दिस इज इक्वल टू n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और जो वी एफ में है, ठीक है, वो बाहर आ गया, और जो v में है वो अंदर रह गया, 3 vf - 3, और इंटीग्रेशन 0 से vf v³, के एक v है और एक ये, तो v³ हो गया, एंड दिस इज dv, दिस इज इक्वल टू 3 vf - 3 v⁴/4 0 से vf, तो अब ये भी लिमिट लगाने के बाद vf में चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो 3 vf - 3
दिस बिकम अपर लिमिट वी एफ की पावर 4 अपॉन में 4 हो गए हैं। तो ये प्लस के 4, ये माइनस के 3, तो वैल्यू क्या रह गई, दिस इज इक्वल टू 3/4 वी एफ। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। ठीक है, तो आज हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए एक बार उनको देख लेना। और बाकी हमारा काम शायद इस वीक में ये ख़त्म हो जाएगा, तो नोट्स को प्रिपेयर करें ठीक ढंग से अपने, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी साथ के साथ करें।